देखिए जी, जैसे आई थिंक सबकी नॉलेज में है ही है कि जनरल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस 2024 जो यूटीएफ जनके के लिए है, वो बड़ी ही क्लोज, उसकी 25th को हमारा पोलिंग डे है। तो आज कैंपेन का लास्ट डे है। तो हमारा बस यही है कि आज हम एक रूट मार्च जो निकाला हमने, उसमें बस यही एक मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को, जो मेंडर की पब्लिक को, कि हम चाहते हैं कि एक बिल्कुल ही पीसफुली और एक अच्छे माहौल में ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो मेरी बस एक अपील है पब्लिक से भी, सपोर्टर से भी, कि बड़ा थोड़ा सा टाइम रह गया है, इलेक्शंस जो हैं वो प्रोसेस 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसे भी किसी को माहौल ख़राब जो है वो नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़, एक मेरी गुजारिश भी है और एक रिक्वेस्ट है कि जो नॉर्मल अभी तक, मैं वैसे एक अप्रिसिएशन देना चाहूँगा कि बाई एंड लार्ज लोगों ने हमें बहुत ही कोऑपरेट किया है, और इनफैक्ट कि हमारे इतनी ज़्यादा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग आए हैं, सारे आए हैं अभी तक, वो भी इधर रुके हैं, तो हमें कोई शिकायत आई नहीं है। आज भी हमने जो रूट मार्च था, बस उसी के लिए एक कंटिन्यूशन में जो हम कर रहे हैं, पीछे गाइडलाइंस दे रहे हैं, जो भी SOPs हमें मिल रही हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, उसको हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन, जल्दी हो जाएगा। और सर, 25 तारीख को जो चुनाव होना है, तमाम अगर सुरक्षा के हिसाब से देखें, बॉर्डर का इलाका है जो आपकी ज्यूरिडिक्शन में आता है, मैंडर सब डिवीजन में, तो कैसी सिक्योरिटी प्रबंध जो है वो किए गए? आई थिंक सिक्योरिटी का आप देख ही रहे हो, आज भी आपने देखा होगा, और आई थिंक जितनी हमारे पास एनएफ सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं वो आए हैं, तो सिक्योरिटी की हमारे पास कमी नहीं है, और ग्राउंड पर भी आपको दिखेगा, अभी वो डे एंड नाइट दिखेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो और सीनियर ऑफिसर्स और ऊपर से हमारा जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हायर अप्स हैं, उनसे भी हमें पूरे डायरेक्शंस है कि कहीं भी सिक्योरिटी की कोई भी हम कम्प्रोमाइज़ ना करें। और हाँ, अगर कहीं लगता है कि सिक्योरिटी कम है, अगर कोई किसी को कोई दिक्कत आ रही है, चाहे किसी भी कॉमन पब्लिक की तरफ से, या कहीं और भी कोई अगर इशू आता है, कोई जेन्युइन इशू आता है, तो हम उसको सिक्योरिटी को एस्पेक्ट को भी कंसिडर करेंगे।